नमस्कार बोलते तारे में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले जीवन में क्या कुछ परेशानी आने वाली है उसके बारे में जान सकते हैं, साथ ही आपको कैसे सतर्क रहना चाहिए ये भी आप जान सकते हैं। तो राशिफल के बारे में जानेंगे, उससे पहले बात करते हैं क्या आपके भी व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, क्या आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो चलिए आज राशिफल आपको बताएंगे, उसके पहले आपको इस समस्या के उपाय बताते हैं कि कैसे व्यापार में वृद्धि की जाए। कार्यस्थल में या दुकान पर अंदर जाने से पहले अपना दाहिना हाथ जमीन पर लगाएं और उसके बाद मस्तक या हृदय पर लगाएं। ऐसे करने से आपको असीम लाभ प्राप्त होगा। व्यापार या कारोबार वृद्धि के लिए ये एक बहुत अच्छा और आसान उपाय है। व्यापार और कारोबार में वृद्धि के लिए लक्ष्मी नारायण के मंदिर में हर शुक्रवार को गुड़ और चना बांटें। मंदिर में लक्ष्मी माँ के प्रतिमा के समक्ष खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं और प्रार्थना करें। ये आसान उपाय आपको हर तरह के समृद्धि दिलाएगा। व्यापार में स्थानीय लाभ पाने के लिए कुत्ता, गाय या कौवा को रोटी जरूर खिलाएं। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। उसके साथ ही थोड़ी हल्दी के गांठ भी रख दें। कुछ दिनों में ही इसका असर आपको दिखने लगेगा। एक पीपल का पत्ता लें और उस पर देसी घी में मिश्रित लाल सिंदूर से ओम लिखें। इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो 5 पत्ते हो जाएंगे। इससे धन संबंधी तंगी दूर हो जाएगी। तंत्र मंत्र में दीक्षानवृत्ति शंख का विशेष महत्व है। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी स्वयं ही इसकी ओर आकर्षित होती है और रंग को भी राजा बना देती है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सोम पुण्य योग में इसे घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये सब उपाय हमारे आसपास ही होते हैं, इसे सिर्फ जानने की जरूरत होती है। आप उपाय जरूर करें, कुछ दिनों में ही आपको फर्क दिखेगा। और अब मेष राशि की बात करते हैं। जो छात्र राजनीति, विज्ञान, कानून और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें इस अवधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यह अवधि मेष राशि के जातकों के पेशेवर जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि होने की संभावना है। मेष राशि के बाद बात करेंगे वृष राशि की। ये गोचर आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेश यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है। इस दौरान आपके दैनिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। माता पिता से वैचारिक मतभेद होने की भी आशंका है। रिलेशनशिप के मामले में भी काफी उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा दिन रहेगा। इस गोचर के बाद आपका कोई राज सबके सामने आ सकता है, जिसके चलते आपको अपने किए की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के बाद बात करेंगे कर्क राशि की। करियर में औसत रफ्तार से वृद्धि कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में शत्रु अचानक से ही सक्रिय होकर आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकता है। इस दौरान आपके संबंध आपके वरिष्ठ और सहकर्मी से उतने अच्छे नहीं रहेंगे। शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं सिंह राशि की और जानते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा दिन रहेगा। मकर संक्रांति पर सूर्य आपके छठे भाव यानी उधार, शत्रु और रोग के भाव में गोचर करेगा। यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला सिद्ध हो सकता है। शत्रु आपकी योजनाओं में विफल होंगे। आप अपने पुराने कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी या सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें पहचान और सम्मान प्राप्त हो सकता है। सिंह के बाद अब बात करते हैं कन्या राशि की। सूर्य आपके 5वें भाव यानी कि शिक्षा, संतान, प्यार और रोमांस के भाव में गोचर करेगा। संतान को विदेश में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए औसत साबित हो सकता है। संतान की जरूरतों पर काफी धन खर्च करना पड़ सकता है। अपने फिजूल खर्ची पर लगाम कसने का प्रयास करें। और अब बात करते हैं तुला राशि की।
तुला राशि के जातकों के लिए यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। परिवार के साथ सुखद समय बिता सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से आपकी आय बढ़ सकती है। धन संचय करने में सफल रह सकते हैं। घर में बड़े बुजुर्गों की सहायता से संपत्ति भी खरीद सकते हैं। हालांकि निवेश से पहले शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। और तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके संबंध भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ बेहतर हो सकते हैं। संवाद कौशल में भी सुधार होने की संभावनाएं हैं। करियर के दृष्टिकोण से आप अत्यधिक मेहनत करते नजर आ सकते हैं, जिसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। इस अवधि में आपको अपने पिता से आर्थिक सहायता मिल सकती है। यह समय उन जातकों के लिए बेहतर रहने की उम्मीद है जो राजनीति में सक्रिय हैं या फिर सरकार के साथ किसी माध्यम से जुड़े हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अवधि लाभ अर्जित करने के लिए अनुकूल रहेगा। धन अर्जित करने के कई मौके प्राप्त हो सकते हैं और आय में वृद्धि की प्रबल संभावना है। धनु के बाद मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा दिन, ये जान लेते हैं। करियर में अचानक ही प्रसिद्धि मिल सकती है। मकर राशि के जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए अवधि अनुकूल रहने वाली है। करियर के क्षेत्र में आप नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। हालांकि निजी जीवन में जीवन साथी और पिता के साथ कुछ विवाद होने की आशंका है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सूर्य आपके 12वें भाव यानी कि मोक्ष, लाभ, खर्च आदि के भाव में गोचर करेगा। इस अवधि में आप विदेशी जमीन से संबंधी कार्यों या गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। पेशेवर जमीन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आप इस दौरान कुछ अच्छे अवसर भी खो देंगे। चलिए अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। सूर्य आपके 11वें भाव यानी इच्छा, आय और लाभ के भाव में गोचर करेगा। आपके वरिष्ठ आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त करने में आपकी मदद करते नजर आ सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ होने की भी प्रबल संभावना है। करियर में नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रह सकते हैं। आपकी पदोन्नति भी हो सकती है। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।